नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से जॉब अपडेट्स का वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आज के जॉब कुछ फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वेरियस सेगमेंट में, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो बी फार्म स्टूडेंट, बीएससी, एमएससी, इन सारे लोगों के लिए वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है वॉकिंग। सबसे अच्छी बात है ये फ्रेशर के लिए वॉकिंग है, मैकलॉयड में, गुजरात में, वापी में। तो ये जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल एंड एपीएम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यहाँ पे एमएससी वो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट या फिर बी फार्म या एम फार्म, ये फ्रेशर ओनली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जो ईमेल चाहिए उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहला जॉब ये है। उसके बाद दूसरा है मेडिकल कोडिंग। लगभग 600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जहाँ पे चेन्नई, बेंगलोर, सलेम एंड हैदराबाद, ये चार लोकेशन में। अब यहाँ पे जो आपको रिज्यूमे शेयर करना है उसकी आपको इमेज तो दिख रही होगी, वेरियस एचआर के कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद जोड़ास फार्मास्यूटिकल्स हैदराबाद, अब यहाँ पे प्रोडक्शन में वैकेंसी है लेकिन वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए कौन से डिपार्टमेंट है, सुपरविजन, ऑटोक्लाव, पैकेजिंग, वायल फिलिंग, वायल वॉशिंग, गारमेंट वॉशिंग, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टर्मिनल स्टरलाइजेशन, वायल डी कार्टोनिंग प्रोसेस। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें कई जगह पे आईटीआई डिप्लोमा लगते हैं और कई जगह पे बी फार्म और एम फार्म से लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इपका। इपका में भी वैकेंसी है, ये सिर्फ फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। बीएससी आप करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते सिलवासा में। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिडोलाइफ। अब क्रिडोलाइफ ये तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे आरएनडी डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिटिकल डेवलपमेंट, वेयर हाउस, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी है। बट यहाँ पे एक शर्त है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट है डाबर रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के लिए, ये न्यू दिल्ली में आपको वैकेंसीज मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है विमटा फार्मास्यूटिकल्स, इसमें बायो एनालिटिकल, मतलब जो डेजिग्नेशन है वो एनालिस्ट है, साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट। तो जनरली ग्रेजुएशन, सभी ग्रेजुएशन अलाउड है, जैसे कि बीएससी है या बी फार्म है या मेडिकल साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है BDR फार्मास्यूटिकल्स। अब BDR फार्मास्यूटिकल्स में ऑफिसर ADL, मतलब यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मेथड डेवलपमेंट के लिए, मेथड रिव्यू के लिए, देन F&D इंजेक्टेबल्स के लिए, रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए वैकेंसीज है। लगभग 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके बाद है ग्रासून फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, MSc, BSc के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 2 to 3 ईयर की एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है। B1D में ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, ओके। और इसके बाद सिप्ला में भी वॉकिंग इंटरव्यूज है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कुल मिला के ये सारी वैकेंसीज की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए कहाँ पे वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी पोस्ट में रेगुलरली 3 या 4 वैकेंसीज यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, नोटिफिकेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोज़ बनाते हैं, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन की